सो आई वांट टू नो, मैं जानना है किस मंथ में कितने एम्प्लॉय ज्वाइन किए। तो यहाँ पे हायरिंग डेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक पीवट बनाएंगे हम यहाँ पे, डेटा को सिलेक्ट करके ऑल्ट एन वी, ठीक है, न्यू वर्कबुक में क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे जब जाओगे डेट पे, हायरिंग डेट को आप रो में डालोगे तो ग्रुपिंग खुल जाएगा ऐसा खोल के, मंथ क्वार्टर, और रो में ईयर क्वार्टर सब दिख रहा है आपको, ईयर क्वार्टर मंथ डेट। लेट से आप इस क्वार्टर हटाओगे तो यहाँ पे क्वार्टर हट गया, अब मंथ आ रहा है। हमने क्वार्टर कॉलम मूव कर दिया, क्वार्टर हटा ही देते यहाँ से। काउंट के लिए मैं इम्प्लॉय आईडी ले लेता हूँ, यहाँ पे इम्प्लॉय आईडी काउंट कर रहा है। जनवरी में एक बंदे ज्वाइन किए थे, अब जनवरी में डेट भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मंथ हटा दोगे एंड ईयर हटा दो, डेट आ जाएगा। वापस ग्रुपिंग करना है, राइट क्लिक करके फिल सेटिंग करके, ओके, यहाँ से नहीं है, कस्टम में भी नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जब डेटा उठाते हो पिवोट टेबल में जाते हो तो आपको यहाँ पे एक पिवोट टेबल एनालिसिस करके दिखता है। इसको जब क्लिक करोगे तो आपको लेफ्ट साइड में ग्रुपिंग अनग्रुपिंग आएगा। तो मैं पिवोट एनालिसिस क्लिक किया, ग्रुप सिलेक्शन करता हूँ तो पूछता है क्या ग्रुपिंग करना, मंथ क्वार्टर ईयर। तो मैं चाहता हूँ ईयर में जाके मंथ दिखे, मेरे को डेट नहीं दिखे, मैं सिलेक्ट कर ग्रुपिंग कर दूँ। अब देखो ईयर में मंथ दिख रहा है मुझे, किस मंथ में क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ग्रुपिंग बस क्वार्टर वाइज देखना है, ग्रुप सिलेक्शन में करके ईयर भी हटा दो, मंथ भी हटा दो, क्वार्टर वाइज सिलेक्ट करते हैं। एंड ये क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, बट किस ईयर का क्वार्टर है पता नहीं। तो आपसे ग्रुप सिलेक्शन में जाओ, यहाँ आप ईयर सेलेक्ट करो, फर्स्ट ईयर का चार क्वार्टर है यहाँ पे, ऐसा आप ग्रुपिंग अनग्रुपिंग कर सकते हैं।